एक दल ऊंचा का विकल्प ढूंढने में लगे हैं और पिछले चुनाव पर नजर दौड़ाई जाए तो प्रत्याशियों से अधिक वोट नोटा को मिलता रहा। ऐसे में चुनाव परिणाम की दिशा तय करने में नोटा की भूमिका अहम हो गई है। नोटा में कम से कम मतदान हो इसके लिए सभी दल और जिला प्रशासन ग्रामीण इलाकों में नकली मतपत्र प्लास्टिक ईवीएम के सहारे मतदाताओं में जागरूकता लाने में लगे हैं। 2013 विधानसभा चुनाव में नोटा को 9,677 वोट, 2018 विधानसभा चुनाव में 9,929 वोट और लोकसभा चुनाव में 10,000 वोट मिले। इससे साफ जाहिर होता है कि आदिवासी इलाके में सरकार विकास के चाहे लाख दावे करे लेकिन छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके में विकास की रोशनी अब तक नहीं पहुंची है। नोटा में बहुत ज्यादा वोट पड़ रहे हैं, पिछले चुनाव में तो लगभग 10,000 वोट नोटा में गए। किसी भी प्रत्याशी की भाग्य का मतलब इससे बहुत ज्यादा ही हो रहा है। तो हमने नोटा को कैसे कमी हो, हमारे एजेंटों को कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो हम निश्चित है कि हम ईवीएम में किसी भी स्थान में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में 15 साल के काम को लेकर और अभी 6 महीने में 7 महीने में जो कांग्रेस के कुशासन को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और बस्तर की जनता, दंतेवाड़ा की जनता, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और ओजस्वी मंडावी के पक्ष में है और यहाँ पर हमारे लिए सहानुभूति भी है और पूरे 15 साल का विकास का काम को देखते हैं हम भारी मतों से जीते। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है।